Qatar, Asia's second richest country. And also, Qatar has one of the world's largest resources of petroleum and natural gases. Maybe हम लोग कतर को as a oil resource country से जानते हैं, कतर को एक richest country से जानते हैं. But recent times पे ना, कतर sports में भी धीरे-धीरे involve हो रहा है, and कतर sports में भी ना धीरे-धीरे invest कर रहा है. Recent times में कतर ना बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े जो tournament है, sports के उसको host किया है. एंड जो कतर का जो फ्यूचर फिक्सचर है स्पोर्ट्स का वो बहुत ही कमाल का है. उन्होंने 2022 में फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया था, 2023 में ना जो एएफसी एशिया कप है उसको होस्ट करेंगे, 2024 में ना जो स्विमिंग का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसको होस्ट करेंगे, 2027 में बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे, 2030 में एशियन गेम्स को भी होस्ट करेंगे एंड मेनी मोर. अभी कतर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो रहा है धीरे धीरे. एंड फुटबॉल ना गाइस, कतर में एक डोमिनेंट स्पोर्ट है एंड कतर की सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है. बट व्हाट अबाउट क्रिकेट? तो ये फ्यूचर सीरीज में ना आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर क्रिकेट इन कतर के बारे में. इंटरनेशनल क्रिकेट हैज अराइव्ड इन कतर एज द गल्फ स्टेट बिल्ड्स ऑन द सक्सेस ऑफ होस्टिंग द एशियन एंड अरब गेम्स एंड विनिंग द राइट टू होस्ट द 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप. कतर नाउ प्लान्स टू मेक अ स्प्लैश इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट. कतर के क्रिकेट को जानने से पहले हमको हिस्ट्री को जानना होगा कि कतर में क्रिकेट का इंट्रोड्यूस कैसे हुआ था. देखो, जो क्रिकेट है, क्रिकेट जो गेम है कतर में, बिल्कुल ही न्यू स्पोर्ट है. मतलब इसका कुछ खास ज्यादा हिस्ट्री नहीं है. इन ईयर 1977 में ना गाइस, फर्स्ट जो क्रिकेट मैच था वो खेला गया था दोहा में. एंड तब से ही ना गाइस, क्रिकेट का इधर एक छोटा मोटा जो इमिग्रेंट्स पॉपुलेशन था उधर ही आकर खेलते थे. एंड इधर ये 8 टीम होकर ना जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी बन गया था एंड कतर रेगुलरली क्रिकेट भी खेल रहा था डोमेस्टिकली. देन 1980s के बाद से ना जो क्रिकेट का पॉपुलरिटी है कतर में वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा था. देन 1999 में कतर एक एफिलिएट मेंबर भी बन चुका था आईसीसी की. एंड गाइस 2017 में ना कतर को एसोसिएट नेशन का दर्जा मिला था. एंड ये 6 साल पहले की बात है. 6 साल पहले ना गाइस, कतर को एसोसिएट नेशन का दर्जा भी मिला था. एंड कतर में क्रिकेट बहुत ही न्यू स्पोर्ट है एंड इतना भी रिच कुछ हिस्ट्री तो नहीं रखता. एंड गाइस, आज से ना मतलब ओनली 4 साल पहले कतर ने अपनी फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच खेला था अगेंस्ट सऊदी अरेबिया. तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कतर में क्रिकेट कितना ही न्यू स्पोर्ट है. तो नेक्स्ट टाइम बात करते हैं करेंट सिचुएशन इन कतर के बारे में. तो देखो, आज के टाइम में ना गाइस, कतर जो बहुत कुछ टूर्नामेंट वगैरह खेलते हैं, उनकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में भी कुछ मैचेस होता है. एंड इसके साथ साथ अभी कतर की जो रैंकिंग है ना T20, उनकी रैंक है 26 पोजीशन पर. एंड इसके साथ साथ देखो, ज़्यादा कुछ तो बताने के नहीं है. कतर अभी जो एशियन क्वालिफायर, एसीसी प्रीमियर कप, ऐसा टूर्नामेंट को खेलते हैं. इसके अलावा तो देखो, बॉर्डर भी ज़्यादा टूर्नामेंट को नहीं खेलते. बट फ्यूचर में चांसेस है कि कतर यू की तरह रिफॉर्म हो सकता है. एंड ज़्यादा कुछ बताने के नहीं है क्योंकि बहुत ही कम मैचेस ही कतर ने अभी तक खेला है. ओनली अपनी पूरी हिस्ट्री में ना 40+ मैचेस खेला है. इस ईयर ना गाइस, ओनली शायद 9 मैचेस ही खेला है कतर ने. तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्रिकेट इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है कतर में. तो हम नेक्स्ट बात करते हैं क्रिकेट स्टेडियम इन कतर के बारे में. तो देखो, आज के दिन ना गाइस, कतर के पास एक ICC स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टेडियम मौजूद है जो वेस्ट इंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जो इधर मौजूद है दोहा में. एंड ये इकलौता ही क्रिकेट स्टेडियम है. एंड इस स्टेडियम की खास बात है, जो लेजेंडरी क्रिकेट होता है ना वो इस स्टेडियम में होता है. एंड इस स्टेडियम को देखो, अफगानिस्तान भी कुछ मैचेस के लिए प्रीवियस डेज में यूज किया था, पाकिस्तान भी इस ग्राउंड को यूज किया था. एंड कुछ वोमेंस की मैचेस भी ना इस ग्राउंड में हुआ है गाइस. इस ग्राउंड का कैपेसिटी है 14,500 के करीब. एंड यस, स्टेडियम बहुत ही अच्छा है. एंड ऐसे अगर कतर और भी टूर्नामेंट को होस्ट करे तो फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी बन सकता है. एंड इसके अलावा भी ना गाइस, कतर के पास बहुत ही ICC का स्टैंडर्ड जो पेटिक स्टेडियम है वो मौजूद है. उनके पास जो एस्ट्रो स्टफ के जो स्टेडियम है ना वो भी उनके पास मौजूद है. तो देन हम बात करते हैं हाउ मेनी फैंस आर देयर इन कतर के बारे में. तो देखो, इसका तो मुझे कोई आर्टिकल नहीं मिला बट मैं एस्टिमेशन से बता सकता हूँ. तो आज के दिन कतर की जो पॉपुलेशन है वो है 32 लाख की. एंड उनकी जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है ना, कतर की जो टोटल पॉपुलेशन है 78-80% पॉपुलेशन उनकी इमिग्रेशन पॉपुलेशन है. एंड ओनली 22-20% पॉपुलेशन ही ना गाइस
जो कतर की एक्चुअल पॉपुलेशन है। अगर हम स्टैक्ट वाइज भी देखें, देखो कतर की जो पॉपुलेशन है ना उसको ब्रेक डाउन करें तो इंडियन पॉपुलेशन है 22%, मतलब कतर की जो नेटिव पॉपुलेशन है इससे भी ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन इधर रहते हैं। देन बांग्लादेश की पॉपुलेशन 13% है, नेपाल की पॉपुलेशन 13% है, देन कतर की पॉपुलेशन है जो 10% है, मतलब एक्चुअली जो कतारी जो नेटिव लोग है। तो यस, क्रिकेट कतर में ना गए सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है आफ्टर फुटबॉल। एंड देखो इस्टीमेशन की अगर बात करें तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है तो फैंस होगा, बट क्रिकेट कतर में इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम बात करते हैं हाउ मेनी क्रिकेट फैंस आर देयर इन देयर नेशनल स्क्वाड के बारे में। देखो आज के दिन ना कतर की टीम में एक ही आपको मतलब नेटिव प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, मोहम्मद तनवीर, जो उनकी टीम की वाइस कैप्टन भी है। इसके अलावा जितना भी मतलब उनकी टीम की जो प्लेयर्स हैं आप वो इमिग्रेंट्स पॉपुलेशन ही है। और देखो ये तो आपको मतलब अंदाजा लग ही चुका होगा, अगर किसी कंट्री का पॉपुलेशन ही मतलब टोटल पॉपुलेशन ही 80% ही इमिग्रेशन होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि उनकी टीम में भी इमिग्रेशन पॉपुलेशन ही ज़्यादा होंगे। तो मुझे इतना बड़ा बात नहीं लगता, एंड कतर जैसे कंट्री के लिए ठीक ही है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लान्स फॉर कतर क्रिकेट बोर्ड टू पॉपुलराइज क्रिकेट इन कतर। तो देखो कतर ना यूए की तरह रेगुलेशन कर सकता है। देखो यूए की अगर बात करें, यूए ना अपने आप को रिफॉर्म कर रहा है, अपने आप को एक टूरिज्म कंट्री से प्रमोट कर रहा है, तो ऐसा सेम कुछ ना कतर भी करना चाहते हैं। देखो आज के दिन यूए में T10 इंटरनेशनल T20 जैसे लीग होता है, एंड फ्यूचर में भी प्रोबेबिलिटी है कि कतर में के पास भी एक लीग हो सकता है। एंड कतर भी टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है तो फ्यूचर में अदर स्पोर्ट्स के साथ साथ क्रिकेट में भी हो सकता है। एंड कतर क्रिकेट एसोसिएशन जो है आज के दिन देखो अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 जैसे टूर्नामेंट भी करते हैं, एंड जिसके वजह से लगता है कि इस फ्यूचर में बहुत ही होप लगता है कि इस कतर क्रिकेट में बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड देखो लेजेंड लीग क्रिकेट भी कतर में होता है, तो इससे भी कतर की जो क्रिकेट है ना उसको थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। तो कतर ना गए जितना ज़्यादा मतलब इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगे, जितना ज़्यादा उनको लाइमलाइट मिलेगा, मीडिया कवरेज मिलेगा, तभी कतर क्रिकेट और भी ज़्यादा ग्रो हो सकता है। सो नेक्स्ट टाइम बात करते हैं, लास्ट टाइम बात करते हैं व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टीम इन द फ्यूचर। देखो गाइस आज के दिन जैसे यूए में ना, जैसे इंडिया की मानो इंडिया की कुछ आईपीएल की मैचेस यूए में कराते हैं, मतलब इंडिया में पाकिस्तान में जितना भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो मैचेस यूए में शिफ्ट होते हैं। बट कुछ मैचेस तो गाइस यूए को छोड़कर कतर में भी होस्ट कराना चाहिए, एंड कुछ मैचेस अगर ऐसा होंगे ना गाइस कतर में भी कुछ आईपीएल मैचेस, कुछ इंडिया की मैचेस होंगे ना, तो देखो क्रिकेट और भी पॉपुलर हो सकता है। एंड मैं ये सही चाहता हूँ क्योंकि जो आईपीएल होता है, आईपीएल की मतलब जितना भी मैच आईपीएल में आज के दिन होता है ना गाइस, इसमें से 10% मैचेस ना गाइस फॉरेन कंट्रीज में होना चाहिए, कतर जैसे कंट्रीज, जैसे गल्फ रीजन में होना चाहिए, कुछ और भी कंट्रीज में होना चाहिए, ताकि उधर की ऑडियंस भी आकर देखिए एटलीस्ट कि क्रिकेट क्या होता है, एक्चुअली में जो क्रिकेट है वो क्या होता है सच में ऐसा क्रिकेट। तो ऐसा मैं कुछ सिनेरियो देखना चाहता हूँ, एंड यूए के साथ साथ ना गाइस कतर में भी एक दो मैच होना चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ। एंड होप करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरा ओपिनियन भी पसंद आया होगा, आपके ओपिनियन नीचे जरूर बताना। तो मिलते हैं फ्यूचर की एक और वीडियो में, हैव ए गुड डे गाइस, थैंक यू।